चलो तो जाओ ना फोटो बढ़ाने हो जितने मर्जी चलो 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 प्लीज बिजली ना लग जाए बाकी ख्याल है चलो 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 हेलो गाइस यू वांट टू से समथिंग भाई मेरे प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 फरवरी है और दिन है बुध का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। मैं इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूं। आज एक अहम समात थी नूर मुकद्दम कत्ल केस की। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में कि ये केस जो है अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब इस केस के हवाले से बाकायदा तौर पर ये मरला ख़त्म हो जाएगा और फिर जज साहब जो है वो डिसीजन के लिए टाइम लेकर उम्मीद यही की जा रही है कि इसी मंथ में जो है इसका डिसीजन भी आ जाएगा। आज बहुत अहम समात थी। गुज़श्ता समात में हमने आपको बताया था कि जो CCTV फुटेज है वो हार्ड डिस्क से चलाई गई थी, आज उसको जो है वो बाकायदा DVR से चलाया गया, वही हुआ। हम लोग सुबह आए, इसकी सुबह जैसे केस कॉल होता है उसके बाद इसका टाइम बाकायदा 11 बजे रखा गया और 11 बजे के करीब इस केस की बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू हुई। जब कार्रवाई शुरू हुई तो हम सारे लोग अंदर चले गए, वहाँ पर तैयारी वगैरह हुई DVR से फुटेज चलाने के हवाले से, लेकिन जो ही CCTV फुटेज चलाने का मरला आया तो तमाम गैर मुतलका लोग जिसमें वकला भी शामिल हैं और लोग जो अंदर होते हैं अदालत में और हम लोग जो सहाफ़ी हैं हमें बाहर निकाल दिया गया और अंदर जो है वो हार्ड ड्राइव से जो है वो चलाई गई CCTV फुटेज। और ये जो है बाकायदा तौर पर इस्तदा भी की गई थी और ये CCTV फुटेज चलवाई गई थी थेरापी वर्स के वकला की तरफ से, क्योंकि वो अपनी जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके हवाले से चीज़ें क्लियर करना चाह रहे थे। बहरहाल अंदर से कुछ चीज़ें सामने आई हैं लेकिन क्योंकि अभी उसका रिटर्न आर्डर नहीं आया, इंशाल्लाह जब रिटर्न आर्डर आएगा तो उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो आपके सामने रख देंगे। अंदर दरअसल हुआ क्या था अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा आपको आज अदालत का माहौल बता देता हूँ। जब ये बाकायदा समात ख़त्म हुई, पहले आज मुलजमान को नहीं लाया गया था। वीडियो में आप देख चुके हैं कि मुलजमान को अदालत में जब ये समात ख़त्म हुई तो उसके बाद बताया गया कि जो उनको ले आए ताकि उनकी हाज़िरी लगा दी जाए। तो ज़ाहिर ज़ाकिर और जो बाकी मुलजमान हैं जिनको अडियाला जेल से बख्शीखाना लाया जाता है उन्हें लाया गया। ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, 10 से 15 मिनट तकरीबन आज जो है वो अदालत में मौजूद रहा। आज उसकी जो जहरी हालत थी, एक तो वो उसकी आंख जो रेड हुई थी वो ठीक हो गई हुई है, बाकी मामलात भी उसके ठीक हैं। और आज जो गुज़श्ता पेशी पे उसने जाते हुए एक सूरत हाल बनाई थी और कोशिश की थी कि लग रहा था कि शायद वो कुछ मेंटली ठीक नहीं है, वो आज बिल्कुल ठीक ठाक था। आज जाते हुए बात करने की मैंने भी कोशिश की, उससे क्वेश्चन भी किया, आपने वीडियो में सुना भी होगा, उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल आज ये चीज़ थी। दूसरी एक अहम चीज़ वो ये थी कि आज आपको मैंने वीडियो इसमें लगा दी है, आपने देखा होगा कि आज की समात के ऊपर जो पुलिस सिक्योरिटी है बड़ी सख्त थी। बाकायदा जब ये हार्ड ड्राइव से CCTV फुटेज चलाई जा रही थी तो पुलिस ने जो अदालत है उसके सामने 4-5-6 पुलिस वाले खड़े हो गए और उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, शखावर साहब अंदर जाने लगे तो पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। शखावर साहब ने उसे बाकायदा बताया कि जी मैं इस मुकदमे में वकील हूं, मुझे अंदर जाने दो। दोबारा उसके बाद शखावर साहब को अंदर जाने दिया गया। आज की ये जो समाज थी इन कैमरा हुई, इन कैमरा के बाद तकरीबन 1 घंटा जो है 1.25 घंटा हम लोग जो है वो बाहर रहे। 12 बजे के करीब ये समाज ख़त्म हो गई। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि 3 नई दरख्वास्तें जो है वो सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब जो ज़ाहिर जाफ़िर के वकील हैं उनकी तरफ से डाल दी गई हैं और ये 3 दरख्वास्तें जो है मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेटेड थीं। वो इन दरख्वास्तों का खुलासा थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे पास ये 3 दरख्वास्तें मौजूद हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं इन 3 दरख्वास्तों को पढ़ के आपकी को इनकी डिटेल बताऊँगा कि इसमें क्या क्या कुछ कहा गया है। थोड़ा सा आपको खुलासा बता देता हूँ। खुलासे में जी पहली जो दरख्वास्त है वो दी गई है जनाब इसके हवाले से कि जो एक मोबाइल नंबर, जब शौकत मुकद्दम साहब के ऊपर जेरा हो रही थी तो हमने आपको वीडियोस में बताया कि उसमें पुलिस वालों ने एक मोबाइल नंबर के हवाले से सवाल किया था। मैं वो मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन शौकत मुकद्दम साहब ने कहा था कि ये मोबाइल नंबर जो है ये मेरी वाइफ का है और उससे नूर मुकद्दम को कॉल की थी मेरी वाइफ़ ने और नूर मुकद्दम जो है वो मेरी वाइफ से रबते में रही थी। तो उसके ऊपर आज एक बाकायदा दरख्वास्त दी गई है सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम की तरफ
से कि जी ये मोबाइल नंबर चेक किया गया है, ये मोबाइल नंबर जो है वो शौकत मुकद्दम साहब की वाइफ़ या नूर मुकद्दम की वालदा का नहीं है। दरख्वास्त ये दी गई है कि इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाया जाए। एक, इस मोबाइल नंबर की क्या ओनर कौन है, इस मोबाइल नंबर का किसके नाम पर है, और दूसरा कि जी इसका रिकॉर्ड जो है डेटा निकलवाया जाए, क्योंकि नूर मुकद्दम इस नंबर से मुसलसल रबते में थी और जो मुलजमान के वकला ने चेक किया वो कहते हैं कि ये नंबर वालिदा का नहीं है, ये तस्नीम नामी किसी खातून का है। इसके हवाले से दरख्वास्त दी गई है, डिटेल इंशाल्लाह मैं बकायदा अगली वीडियो में शामिल करूँगा। दूसरी दरख्वास्त जी सिकंदर ज़ुल्कनैन सलीम साहब की तरफ से दी गई है और वो दी गई है पुलिस के ख़िलाफ़, और उसमें मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। इंशाल्लाह तफसील में जब करूँगा तो बताऊँगा। अभी की हद तक ये बता देता हूँ कि आज की इस दरख्वास्त में सिकंदर ज़ुल्कनैन सलीम साहब जो हैं उन्होंने ये इस्तदा की है कि जी हेयरिंग्स यहाँ पर होती हैं, अदालत की तरफ से बारहा कहा गया है कि जी मिस इंटरप्रेट ना किया जाए जो अदालत की इधर यहाँ पर कार्रवाई होती है, मीडिया के कुछ हिस्से उसको मिस इंटरप्रेट किया, उन्होंने कार्रवाई के हवाले से बार बात की, जिसका नोटिस लेते हुए आईजी ने एक इजलास बुलाया जिसमें तफ्तीशी को बुलाया गया, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को बुलाया गया, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए, और उस इजलास के बाद एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई और साथ साथ एक वजाहती बयान सोशल मीडिया यानी ट्विटर के ऊपर डाला गया। तो उसके हवाले से एक दरख्वास्त आई है कि ये मामला क्योंकि सब जुड़े से है और इसके ऊपर बाहर इस तरह बात नहीं की जा सकती, तो पुलिस ने ये जो कुछ किया है ये अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है, लिहाजा अदालत इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो एक कानूनी कार्रवाई करे और इन लोगों को बुलाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें आईजी इस्लामाबाद और इन सबको उनके पूरी डिटेल में एक नाम है इंशाल्लाह, जब वो डिटेल वीडियो दरख्वास्तों के हवाले से करूँगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि उसमें सारा कुछ लिखा क्या गया है। बहरहाल ये दूसरी चीज़ जो है सिकंदर ज़ुल्कनैन साहब की तरफ से दूसरी दरख्वास्त। तीसरी दरख्वास्त जो है वो जनाब दी गई है तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़, क्योंकि आपको पता है पुलिस जो है वो पहले दिन से जो तफ्तीशी अफसर है कोशिश उसके हवाले से भी की जा रही है मुलज़मान के वकला की तरफ से और पुलिस के हवाले से भी। बहरहाल तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ जी एक दरख्वास्त दी गई है और वो दी गई है जब तफ्तीशी पर जिरह हो रही थी तो उससे क्वेश्चन किए गए थे चौकीदार की वहाँ पर मौजूदगी और गार्ड की वहाँ पर मौजूदगी जो नक्शा में थी उसके हवाले से, फिर नक्शे में जो है एग्ज़िट पॉइंट्स नहीं बताए थे, बहुत सारी और चीज़ें थी जो तफ्तीशी अफसर से मिस हुई थी जब उसने जाए वकुआ या जाए वारदात का नक्शा बनाया था। आज वही एक दरख्वास्त आई है सिकंदर ज़ुल्कनैन साहब की तरफ से और उसमें ये बकायदा तौर पे इस्तदा की गई है कि जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक तो जो एग्ज़िट्स हैं वो नहीं बताई गई, घर के दूसरी तरफ जो है वो एक जंगल है या वहाँ पर ग्रीन एरिया है उसके हवाले से वजाहत नहीं की गई, उसकी निशानदेही नहीं की गई, एक दो और चीज़ें हैं जिनके हवाले से तफ्तीशी अफसर ने निशानदेही नहीं की। तो ये दरख्वास्त सिकंदर ज़ुल्कनैन सलीम साहब की तरफ से दी गई है कि जी तफ्तीशी अफसर ने ये जो नक्शा है ये इसमें कुछ रद्दोबदल या फोर्जरी की है और ये नक्शा जो है उनकी उन्होंने जब बनाया तो उनकी नियत मतलब उनकी नियत के हवाले से भी क्वेश्चन किया गया है कि जी ये जो है नक्शा ठीक नहीं बनाया गया, इसलिए तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ एक तो कार्रवाई की जाए और साथ साथ जो है जो कानून इस हवाले से है उसके जो है तफ्तीशी अफसर से पूछा जाए और साथ में फोर्जरी के हवाले से कार्रवाई की जाए। और साथ में एक और भी इसमें इस्तदा की गई है कि जो नक्शा अदालत के सामने पेश किया गया है ये एक्चुअल उस तरह पोजीशन वहाँ पे नहीं है, इसलिए इस्तदा की गई है कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट किसी को भी वहाँ पर भेज के बाकायदा तौर पर जो जाए वकुआ है या जो मौका वारदात है वहाँ पर जो है उसका विज़िट किया जाए और वहाँ पर चीज़ों को चेक किया जाए कि जो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया या तफ्तीशी अफसर ने जो नक्शा बनाया है आखिर वो उन्होंने ठीक क्यों नहीं बनाया है। आज की ये जो कार्रवाई थी ये तकरीबन एक घंटे पर मुहित थी और इसको उसके बाद बहरहाल कोर्ट में जो है सारे आपको पता है मुलजमान भी आते हैं, मुलजमान के रिलेटिव्स भी आते हैं और सारे लोग मौजूद होते हैं तो उनकी मुलाकात भी होती है, फिर उसके बाद मुलजमान को वापस ले जाया गया। बहरहाल आज की जो समात है पहले 8 पे इसको ले जाया गया कि जी 8 को दोबारा समात होगी, लेकिन अकरम कुरैशी साहब की तरफ से भी दरख्वास्त की गई दूसरे वकला की तरफ से भी कि इसको 7 तारीख को रखा जाए। अब 7 तारीख को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो सवालनामा होता है 342 के जो मुलजमान के बयान होते हैं उनका सवालनामा जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा और उम्मीद है 7 तारीख को इन 3 दरख्वास्तों के ऊपर भी दलायल होनी है, वो सवालनामा भी जो है उनके जवाब भी जमा करवाए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन के जो हसन अब्बास साहब हैं उनकी तरफ से इस केस के जो विटनेसेस और जो मामलात हैं सारे वो मुकम्मल उन्होंने अपना बयान दे दिया है कि मुकम्मल हो गया है, अब अदालत जो है वो आगे मुलजमान के बयान और हतमी दलायल की तरफ जाकर फिर फैसले की तरफ जाएगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो तक की इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।